परम पूज्य प्रातस्मरणीय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी के चरणों में सत सत नमन। हमारे लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है कि योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज हमारे मध्य साक्षात विराजमान हैं और ये सुअवसर एक स्वप्न साकार होने जैसा है। एक बार करतल धमनी से महाराज जी का अभिनंदन करेंगे और महाराज जी को हम तन मन धन से जिस लक्ष्य को लेकर महाराज जी ने ये शंखनाद किया है कि इस देश को पुनः सशक्त समृद्ध और सोने की चिड़िया बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, मुझे पूरी उम्मीद है कि महाराज जी के निर्देशन में जो आज के चाणक्य हैं, हमारा देश आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी विश्व गुरु बनेगा। एक बार पुनः कृतज्ञता ध्वनि से महाराज जी का स्वागत और महाराज जी का अभिनंदन। भाई अमरपाल जी जो संगठन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, इधर अमरदीप जी और भयानुज जी, पूनम जी, जितेंद्र जी, डॉक्टर बी एस यादव जी और आप सब जो इस अनुष्ठान से बहुत आस्था के साथ जुड़े हैं। सभी युवाओं के मन में एक एम्बिशन होता है कि मैं जिंदगी में बहुत बड़ा बनना है, हमें कामयाब होना है, हमें सक्सेस होना है। और इस कामयाबी के लिए जो उनको जैसा समझ में आता है करने की कोशिश भी करते हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूं 99% इसे भी ज्यादा हो सकता है यह आंकड़ा, 99% या उससे अधिक युवक युवतियों को या बच्चों को ना तो ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, ना उनको ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, ना ही उनको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जिंदगी में शिखर पर पहुंच सकें। अब मैंने 3 शब्द बोले हैं, पहला बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता जिससे कि वो बहुत बड़े बन सकें, दूसरा ट्रेनिंग नहीं मिलती जिससे कि अपने भीतर की शक्तियों को पूरी तरह से उभार सकें, तीसरा उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अब मैं 3 ही बातों पर छोटी छोटी बात कहना चाहता हूं। जो कुछ है हमारी जिंदगी में वो एनवायरनमेंट के कारण से है। आप सबको मैं योग का एनवायरनमेंट दूंगा तो आप सब ऐसे लगेगा कि सब योगी हैं। मैं आपको ब्रह्मचर्य का, सादगी का, सरलता का एनवायरनमेंट यदि यहां से दूं तो आपको लगेगा ये तो सादगी धर्म है, ये तो ब्रह्मचर्य ही जीवन का धर्म है। और यदि वासना का वातावरण दिया जाए, एनवायरनमेंट जो है आपको उपलब्ध करवाया जाए तो फिर उसी में आदमी खो जाते हैं, ये तो दुनिया तो बह रही है, इसलिए मैं बोलता हूं ना जो बह गया सो भोगी। आदमी को जैसा एनवायरनमेंट दिया जाए वैसा हो जाता है। तो एक तो एनवायरनमेंट 99% व्यक्तियों को बहुत अच्छा नहीं मिलता है, इन्हीं से फिर आगे की जिंदगी तैयार होती है। मैं जैसे एनवायरनमेंट में पैदा हुआ, जैसा एनवायरनमेंट में मेरा बचपन गुजरा,
जैसी मुझे ट्रेनिंग मिली, फिर जैसे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, अपॉर्चुनिटीज को हम तय कर सकते हैं, लेकिन ये दो चीजें बहुत जरूरी है, एनवायरमेंट एंड ट्रेनिंग। हमको ऐसा एनवायरमेंट मिला बचपन से, ऐसी ट्रेनिंग मिली बचपन से कि हम आज दुनिया के सबसे ताकतवर खानदान उसके खिलाफ खड़े हो गए। लोग कहते रहे इनके खिलाफ तो बात करना भी मुश्किल है। मैंने कहा अब इनके साथ बात ही नहीं करेंगे, इनको जड़मूल से उखाड़ेंगे और इनको अपने असली ठिकाने पर पहुंचाएंगे। ये प्रेरणा कहां से मिली? ये इसके पीछे वो बचपन का एनवायरमेंट, वो गुरुकुल का एनवायरमेंट और वहां की वो ट्रेनिंग। मैं सभी से कह रहा हूं विज्ञान में इस बात को माना जाता है, अब तो सब निर्विवादित रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं कि सबके भीतर एक ही जैसा टैलेंट है। जरा सुनना इस बात को बड़े गौर से, 99% लोग इसके उल्टा सोचते हैं, अजी हमारे माँ बाप तो ऐसे हैं, जी हमें तो एनवायरमेंट कुछ नहीं मिला, जी हमारे हमारे यहां तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जी हमें तो इसकी चीज की ट्रेनिंग ही नहीं मिली। जी विज्ञान में इस बात को एक मत से स्वीकार किया जाता है कि सबके भीतर एक जैसा टैलेंट है, सबके भीतर एक ही जैसा नॉलेज है, सबके के भीतर एक ही जैसा आईक्यू लेवल है। लेकिन बात यह है कि जब वो बच्चा मां की कोख में पल रहा है तब से लेकर के, अब तो विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है कि पहले इस बात को नहीं मानते थे आधुनिक वैज्ञानिक, मॉडर्न जो है जो साइंटिस्ट है वो नहीं मानते थे, हमारे ऋषि मुनि तो पहले से मानते थे कि बच्चा जब माँ की कोख में होता उस समय भी उस जो है उस पर कोई असर पड़ता है, लेकिन हम मानने लगे। अब